नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? बहुत दिनों से अपना एक एक क्लास चलते जा रहा है। पता नहीं आप कैसे घर पर पढ़ रहे हो या नहीं। हाँ, इसका मैं अभी थोड़ा सा रिवीजन ले लेता हूँ। ले लो हाँ सर। तो बताए आप। बताइए पहला पार्ट का नाम क्या है? काकू। गुड। और इस कक्कू के अंतर्गत हमने क्या इस पार्ट में क्या क्या किया? कक्कू का जो विशेषता है, उसका जो स्वभाव की विशेषता, और साथ साथ उसके प्रश्न उत्तर, उस टेक्स्ट बुक के प्रश्न उत्तर, और मैंने ग्रामर में इसमें काम वाले शब्द और नाम वाले शब्द, ये दो शब्दों को मैं आप पढ़ाया था। बाद में दूसरे पार्ट का नाम क्या है? शेर की भाज मक्की। शेकीबाज मक्के। गुड। तो शेकीबाज मक्के के अंतर्गत हमने अलसी शेर कैसा था, फिर मक्खी ने उसे कैसे सताया, और इस घमंड मक्के को चालाक लोमड़ी ने कैसे सबक सिखाया, ये देखा ना? उसी उसी के अंतर उसके प्रश्नोत्तर, और साथ साथ मैंने संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को आपको पढ़ाया था इस पाठ में। तीसरा पाठ का नाम क्या है? चांद वाली गुड। अम्मा। चांद वाली अम्मा। इस चांद वाली अम्मा, इसमें आसमान और चांद वाली अम्मा का किस प्रकार से झगड़ा होता रहता है, और बाद में अम्मा को आसमान ने ऊपर कैसा लेके गया, फिर अम्मा ने चांद का कैसे मदद लिया, ये सब देखे है इस पार्ट में। और बाद में अम्मा इसके इस चांद वाले अम्मा पाठ का प्रश्नोत्तर देखा था। तो चांद वाले अम्मा पाठ के साथ साथ हमने अक्षर ज्ञान के लिए क्या किया, वर्णाक्षर, और उनके साथ साथ बिना मात्रा वाले शब्द, एक मात्रा हो सकता है, दो मात्रा के सॉरी दो मात्रा वाले शब्द, तीन मात्रा वाले शब्द, चार मात्रा वाले शब्द। आगे मैंने आपको उसी के साथ टेक्स्ट बुक का पूरा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को देखे थे, और बाद में आ मात्रा वाले शब्द भी देखे थे। तो आज हम इस मात्रा के यानी अक्षर ज्ञान में हमने क्या करेंगे, ई की मात्रा वाले शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं अपने चौथा जो पार्ट है उस पार्ट को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ई की मात्रा वाले शब्द देखने से पहले मैं एक आपको पूछूंगा। कौन बताओ आपने, ये म प्लस ये क्या है? म। मन और ये क्या है? ना ये क्या है? मन गुड। मन क्या है? मन। तो ये मन मन का अर्थ क्या होता है? कोई देखे क्या मन? नहीं देखा है, लेकिन मन तो होता है कि नहीं? हाँ होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर मन है, लेकिन आज तक मन को किसी ने नहीं देखा है। तो ये मन क्या होता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर एक ऐसी जो शक्ति बोले, ऐसी एक चीज है, ऐसी एक चेतना, सॉरी चीज है, ऐसी एक चेतना है जिसको हम मन कहते हैं। और वो क्या करता है, वो जो भी विचार देता है हमें, वो जो जैसा कहता है वैसा, ये जो बॉडी है इतना बड़ा, हम जिसको जिसका पलाना पलाना बोलते, ये सब पलाना पलाने वाले आदमी मन के अनुसार ही कार्य करता है, बराबर है? तो ये मन दो प्रकार के होते मित्रों, एक अच्छा मन और दूसरा बुरा मन। जब अच्छा मन का हम सुने तो अच्छे बन जाते, और जब बुरा मन का सुने तो बुरा बन जाता है। तो आज हम एक मन कैसा होता, एक छोटे बालक का मन किस प्रकार कहता है वो देखेंगे। ये मित्र अब अपने टेक्स्ट बुक निकालिए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29, 29। कविता का नाम है मन करता है, और इस कविता को लिखने वाले कवि है
सुरेंद्र विक्रम। देखिए, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर दौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बच्चों, इस कविता को हम कविता की तरह बोल सकते हैं और गीत की तरह गा सकते हैं। तो अब मैं गीत की तरह गाऊंगा। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर दोस्त जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची 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 चू चू शोर मचाओ, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाओ। कवि का नाम है वीरेंद्र विक्रम। बच्चों, कविता सुनने में अच्छी लगी है ना? अब हम उसके भावार्थ को देखेंगे। मैं पहले ही बताया ना, मन बहुत ही चंचल होता है। तो देखिए, इस कविता में कवि ने एक छोटे बालक का मन में उठने वाले मनोभावों को चित्रण किया है। जब भी वह किसी को देखता है, उसे वही बनने का उसके मन में विचार आता है। देखिए, पहले चार पंक्तियों में वह क्या सोचता है। जब वह दिन में सूरज की ओर देखता है तो ऐसा लगता है कि सूरज कितना अच्छा है। वह पूरब से पश्चिम की ओर लगातार दौड़ता है, माने दौड़ना उसे पसंद है होगा। और हम जब दौड़ते हैं तो रास्ते में बहुत रुकावट आते हैं, कोई सामने से आता है, कोई कुछ ये करता है, लेकिन उसे जब दौड़ना होता है ना, सूरज को जब दौड़ना होता है तो कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए उसे लगता है कि मैं भी खास सूरज बने तो मैं भी आसमान में दौड़ लगाया तो कितना अच्छा होगा। जब वह रात के समय चांद को देखता है और उसके प्रकाश में शीतल को देखता है तो उसे लगता होगा कि काश मैं चंदा बन गए तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि चांद यहाँ पर सब तारों पर अकड़ दिखा रहा है। यानी अकड़ दिखाना का अर्थ होता है अपना श्रेष्ठत्व दिखाना, मैं कुछ हूं ये बताना है। तो यहाँ पर पहले चित्र में देखिए, एक बीच में चांद है और उसके पूरे आसपास में तारे हैं। तारे का भी अपना कुछ प्रकाशमय है, यानी उनका भी कुछ खुद का प्रकाश है, लेकिन जब चंदा के सामने वह सब पीके पड़ गए हैं, यानी कमजोर हो गए हैं। और देखिए, दूसरे चित्र में भी उसका भी चंद्र का यहाँ पर बहुत प्रकाशमान दिख रहा है, तो उसके आसपास में बाकी तारों का कुछ प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, वो खुद नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए छोटे बालक को लगता है कि मैं भी इन तारों के जैसे सब पर अकड़ दिखाएं तो कितना अच्छा होगा।
आगे देखिए, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर दौंस जमा हो। इसका अर्थ होता है जब वह कभी अपने दादाजी को देखता है तो उसे लगता है कि मैं भी बाबा के जैसे, यानी बाबा यानी दादाजी, दादाजी के जैसे बन जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि दादाजी तो काम कुछ नहीं करते लेकिन सबको काम बोलते रहते हैं, सबको डांटते रहते हैं और सभी लोग घर में उनका आदर करते हैं। इसीलिए उस लड़के को लगता है कि मैं बाबा जैसे। आगे जब वो लड़का अपने पापा को देखता है तो उसे लगता है कि मेरे पापा को तो बहुत बड़े बड़े मूंछ है, मुझे तो मूंछ नहीं है। इसलिए वह पापा बनकर अपने पापा की तरह अपने भी मूंछ बढ़ाना चाहता है। आगे मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। क्यों? क्योंकि तितली जिस तरह से एक पौधे से दूसरे पौधे पर, दूसरे पौधे से तीसरे पौधे पर, एक फूलों से दूसरे फूलों पर मंडारता रहता है, उड़ता रहता है। और जब ऐसे उड़ते हुए तितली को देखने के बाद बालक के मन में ऐसा लगता है कि मैं भी काश इसके तरह से बन जाऊं और दूर दूर उड़ते जाऊं। बच्चों, आपको चित्र में एक पक्षी दिखाई दे रहा है, आप बता सकते हो वो कौन सी पक्षी है, उसका नाम बताइए। ओ, ये पक्षी है कोयल, जो कि गा रही है। हमें पता है कोयल की बोल तो मीठी मीठी होती है, तो इस बालक को ऐसा लगता है कि मैं भी कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं और कितना अच्छा लगता है, उसके मधुर कंठ के जैसे मेरा भी कंठ बन जाता है। इसलिए वो कहता है मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। आगे देखिए, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। आपको पता है बच्चों, कभी हम सुबह के समय हो या बहुत सारे जहां पर पेड़ होते हैं ऐसे जगह से जब गुजरते हैं तो हमेशा वहां पर चू 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 का चिड़ियों का आवाज आता है, यानी उसका वो आवाज करते हैं, आवाज आता है। तो ऐसे आवाज तो यानी उनको बोलने में, जैसे कि हमारे घर में हम कभी बातें ज्यादा करते तो भी हमें डांटते रहते हैं, शायद इसलिए होगा। उस लड़के को लगता है कि ये कितना अच्छा है, हमेशा वह बातें करते रहते हैं, चिंचू चिंचू करते रहते हैं, उनके कोई बोलने वाले नहीं है, इसलिए वह कहता है कि उसका इसलिए उसका मन कहता है कि मैं भी चिड़िया जैसे बन जाऊं और चू 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 शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। और अंत में बालक का मन करता है कि वह चरखी लेकर आकाश में उड़ने वाले अलग अलग रंगों के, पीली लाली हरा सभी रंगों का पतंग उड़ाने को कहता है। यहाँ पर चरखी का जो चित्र दिया गया है, चरखी जो पतंग के जो धागा है उस धागे को लिपटने में काम आता है, जिससे वह जल्दी से जल्द वह अपने धागा को लिपट सकता है। इस तरह बालक के जिससे वह आता है, जिससे वह जल्दी से जल्द वह अपने धागा को लिपट सकता है। इस तरह बालक के जो विभिन्न प्रकार के मनोभाव हैं, उस मनोभावनाओं को यहाँ पर चित्रित किया गया है।